भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज की जानकारी पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चिरपरिचित उपस्थित हूं एक बार आपकी सेवा में। इंसान अपने हाथों से ही अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आजकल लोग अपनी जीवन शैली को बदल रहे हैं, उसका सीधा असर इंसान को बीमारी की तरफ ले जा रहा है। शरीर में होने वाले संकेत कई बीमारियों की ओर इशारा करते हैं और इंसान तभी इन सभी बीमारियों से बच सकता है जब वो अपने भोजन में सेहतमंद चीज़ों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो अक्सर आपको कभी ना कभी होती ही है, वो है हाथ पैर का सुन्न हो जाना या फिर जलन, झंझनाहट या फिर कमजोरी महसूस होना। ये सभी संकेत किसी न किसी बीमारी की ओर इशारा करते हैं। जब हम एक जगह पर घंटों बैठे रहते हैं या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में या फिर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तब ऐसे में हमारे हाथ और पैर कभी सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा होना वैसे तो सामान्य सी बात है, पर यदि समस्या आपको बार बार हो रही है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस समस्या से आपको कई सारी परेशानियां या फिर दिक्कतें हो सकती हैं। हाथ पैर का सुन्न पड़ना या उनमें झंझनाहट होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे शरीर में विटामिन बी और मैग्नीशियम की कमी होना, अधिक मात्रा में ठंडी चीज़ों का सेवन करने से भी हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं और उन पर झंझनाहट होती है, डायबिटीज़ होना, अधिक मात्रा में धूम्रपान करते रहना, थकान, शराब आदि का सेवन करना आदि। ये सभी कारण बड़ी बीमारियों की ओर संकेत देते हैं, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस समस्या से आपको सावधान रहने की ज़रूरत भी है। तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे आप घरेलू उपचार से इन समस्याओं से निजात पा सकते हो। हल्दी, आपके लिए हल्दी किसी औषधि से कम नहीं है। यदि आप हल्दी को पानी में मिलाकर उससे अपने हाथ और पैर की मालिश करते हो तो इससे ये झंझनाहट और ये सुन्नपन जो हाथ पैरों में हो जाता है वो दूर हो जाता है। दालचीनी का पाउडर बहुत ही लाभकारी है। दालचीनी दोस्तों, इस तरीके की समस्या होने पर आपको एक चम्मच दालचीनी का चूर्ण को एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर उसका सेवन करना है। ऐसा आप अगर दिन में दो बार करते हो तो आपको इस दर्द से निजात भी मिलेगा। सिकाई भी दोस्तों कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों में जलन हो रही है या फिर वे सुन्न हो रहे हैं, इसके लिए आप सिकाई करें। गर्म पानी में कपड़े को डालकर उससे 5 मिनट तक सुन्न पड़े शरीर के अंगों की सिकाई करें। मालिश करें। मालिश बहुत ही अहम होती है इस तरीके की समस्या से बचने में। यदि आप नारियल तेल, सरसों का तेल या फिर जैतून के तेल से मालिश करते हो तो इससे आपको इस परेशानी में बड़ा आराम मिलेगा। मालिश करने से शरीर में खून का संचार प्रभावी रूप से होता है और झंझनाहट दूर होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, व्यायाम करना ना भूलें। आपके लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इससे आपके शरीर के सारे अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, साथ ही साथ आपके हाथ और पैर जो सुन्न पड़े हुए हैं उनकी समस्या भी ठीक हो जाती है। इसलिए सुबह के समय एक्सरसाइज करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी है जो आपको इस बड़ी समस्या से बचा सकती है। अगर जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने परिवार तक इसे जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।